इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बीरबल की खिचड़ी वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा। बीरबल खिचड़ी तो बनाते हैं लेकिन वो पकती नहीं, तैयार ही नहीं होती। कुछ ऐसी ही खिचड़ी नवी मुंबई में पक रही है, जो पकने के लिए तो रख दिया गया लेकिन वो पककर कब तैयार होगी इसका कुछ पता ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवी मुंबई में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। देखिए, ऐसा है कि जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का निर्माण कार्य था वो 2004 से लेकर के आज 2020 हो गए, तब से लेकर के अभी तक आप समझो तो चर्चा का ही विषय बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अभी केवल लैंड को जो है समतल करने का कार्यक्रम चल रहा है। 2007 में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, 2010 में पर्यावरण मंत्रालय से इसे अंतिम मंजूरी मिली। और 13%
मुंबई की जनता से लूट की है। मैं खुलेआम कहता हूं और यह लूट कैसे हुई है वो भी मैं आपको बताता हूं। और 2010 में पर्यावरण मंत्रालय ने भी हरी झंडी दे दी। उसके बाद एक लूट का सोची समझी रणनीति तैयार की गई जनता को लूटने की। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, मैं सीधे महाराष्ट्र सरकार का नाम ले रहा हूं, कारण है क्योंकि इसके अंदर काम कर एक संस्था है महाराष्ट्र सरकार। आपको बताएं इससे पहले इस लूट पर प्रकाश डालें हम आप सिडको का संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। सिडको अर्थात सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र, हिंदी में बताते हैं महाराष्ट्र का शहर और औद्योगिक विकास निगम, नाम से ही स्पष्ट है। इसकी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र ने शहर और उद्योगों का विकास। जब पर्यावरण मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे के लिए उस समय क्या अनुमान लगाया गया कि 2012 तक पानी पूरा हो, और यही वो समय था जब सिडको ने जनता को लूटा और किस तरह से लूटा मैं बता रहा हूं। अनुमान लगाया गया 2012 में, 2012 में समझाना नहीं है, सभी
पक्ष क्या है सर इंटरनेशनल नवीन भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, कि पहली उड़ान की आप उम्मीद कब कर रहे हैं? पहली उड़ान की उम्मीद मेरे ख्याल से कब कर रहे, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पहली नींव कब रखें, पहला काम हम सब करें। और उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि दो चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई किया है जो सबसे पहले करना है। हमारी तरफ से हमें 100% ज़मीन जो है वो ज़मीन प्राप्त करनी है, और उससे बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, गांव के लोगों के छोटे छोटे डिमांड्स हैं, या कुछ लोगों ने ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ले लिया वो निकले नहीं है। तो मैंने इसके लिए हमारे तरफ से एक स्पेशल एक जॉइंट एमडी को एयरपोर्ट का काम एक्सक्लूसिवली दिया हुआ है कि ये सारे जो लैंड और रिहेबिलिटेशन के जो इशूज़ हैं उसको डील करना है। दूसरी तरफ से जो है कंसेशनर जो है, कंसेशनर ने अपना फिनेंशियल क्लोजर करना है। तो उसके लिए जो है अभी कंसेशनर के साथ हमारा डिस्कशन जो है वो डिस्कशन चालू है। ये दो चीज़ें अगर आ जाती है तो देन उसके बाद ये प्रकल्प जो है वो पूरी तरीके से चालू होगा। तो स्थितियां यह है कि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि उड़ान कब होगी, यानी कि बीरबल की खिचड़ी अभी पक रही है, पककर तैयार होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जनता से जो लूट हो चुकी है वह तो हो चुकी है। जनता को जो सुविधाएं जिस समय देने चाहिए वह सरकार नहीं दे पाई, और इसके लिए सरकार की यह है हमारे नवी मुंबई में पक रही खिचड़ी का हाल, बीरबल के खिचड़ी का। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।